दोस्तों आज मैं आपसे एमजे डेमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लर्न की समरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप अमीर बनने के तीन तरीके जानेंगे और आपको समझ में आएगा कि बुढ़ापे में अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे होने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इसे एक रोड ट्रिप की तरह समझिए, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस नहीं करना है बल्कि रास्ते का भी आनंद लेना है। इस तरह से मंजिल आपका इवेंट होगा और जर्नी आपका प्रोसेस होगा। अब इस जर्नी पर जाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी च्वाइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से आप अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। ऑथर कहते हैं कि रोड मैप तीन तरह के होते हैं, द साइडवॉक रोड मैप, नंबर 2 द स्लो लेन रोड मैप, नंबर 3 द फास्ट लेन रोड मैप। द साइडवॉक रोड मैप, साइडवॉक रोड मैप जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले को साइडवॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइडवॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब साइडवॉकर भी दो तरह के होते हैं, पहला इनकम पुअर और दूसरा इनकम रिच। इनकम पुअर, ऐसे लोग फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते और ना ही जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा ऐशो आराम और शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो या निगेटिव होती है, ना इनके पास कोई सेविंग होती है ना ही कोई डिपॉजिट। इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन शामिल है। इसीलिए दोस्तों जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इनकम रिच साइड वॉकर, फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐसो आराम से रहते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $100 कमाते हैं, तो उनके खर्च कम से $110 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 2, द स्लो लेन। स्लो लेन वाले लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग अपने अच्छे भविष्य के लिए अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसे का क्या करेंगे? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक टीनेजर था जिनका नाम जो था। जो का सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए, इसीलिए वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बात लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। उस टीनेजर ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। वो मंडे टू फ्राइडे काम में बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था।
क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसीलिए जो ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लोलैंड रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नंबर 3, द फास्ट लेन। साइडवॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है, जो है फास्ट लेन रोड मैप, जिसमें आप अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में मिलेनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, चुमा और अजूर। वे दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजे को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा। लेकिन चुमा का प्लॉट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना ही उसने काम शुरू किया था। चुमा एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। इसीलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुमा ने 2 दिन में पूरा कर दिया। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अकलमंदी से सक्सेस हासिल की। चुमा कम उम्र में रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो दोस्तों, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप कम उम्र में भी अमीर हो सकते हैं। इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाइए और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।